अव्यवस्थाओं के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल, पूर्व विधायक नसीम अख्तर ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन, करी जमकर नारेबाजी। पुष्कर धार्मिक नगरी में अव्यवस्थाओं के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर विकास और नगर कांग्रेस कमेटी के उपखंड कार्यालय में हल्ला बोलते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजू कुड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। इंसाफ ने बताया कि पुष्कर में करीब 4 माह से पीने का पानी, बिजली, आवारा जानवर और सीवरेज की व्यवस्था चल रही है। पानी होते हुए भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, बिजली कब जाती है पता ही नहीं लगता है, और सीवरेज की समस्या, जो सीवरेज का गंदा पानी रोडों पर भी बहता है और बारिश आने पर सरोवर में जाता गंदा पानी, उसकी रोकथाम के उपाय होने चाहिए। आवारा पशु जितने भी घूम रहे उनके भी ठोस समाधान होने चाहिए, और साथ ही साथ पुष्कर की पेयजल की समस्या का निदान, क्योंकि बेहतर घंटे से पुष्कर को पानी नहीं मिल पा रहा है, और बारिश के मौसम में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पानी, बिजली और सीवरेज, आवारा जानवरों की, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया ताकि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और आम जनता को राहत मिले। पुष्कर अभी सदी की सबसे बड़ी जल त्रासदी से गुजर रहा है, तो क्या कांग्रेस आंदोलन करेगी? अगर कांग्रेस तो समय समय पर आंदोलन करती रही है, आपको भी बताए हमने एन साहब को कई बार भी आंदोलन किया तो कुर्सी पर उठाकर सरोवर के खाली कुंडों को दिखाया गया, पेयजल की वितरण व्यवस्था के लिए आंदोलन किया है और आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहती है, जनता के साथ खड़ी है, और आज हमें एसडीएम साहब ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं करेंगे तो हम और देखेंगे, जनता के साथ खड़े ना, आंदोलन पूर्ण रूप से करती आई है और करती रहेगी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता। व्यवस्थाओं संबंध में तो इसमें मुख्यतः है भाई, बिजली की तो कोई ज्यादा ऐसी वो नहीं है, काटने का वो है टाइमिंग का लेकर के, वो तो एक फिक्स टाइम है, उसी हम उसके हम उससे ज्यादा दे नहीं सकते, तो टाइमिंग बदली भी जा सकती है, रुक कर सकते हैं। आवारा जानवर, सीवरेज की व्यवस्था और सफाई का, ये हमारे प्रथम दिन से हमारी प्रायोरिटी पे है, तो अब इस पे हम सोमवार से बिल्कुल बहुत ही युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, और जो ब्रह्मा मंदिर का चढ़ाव आ रहा है इसके बारे में हम देख रहे हैं कि भाई हम उसको किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, वो भी मैंने मंगवाया है, वो अगर मान लो हो सका तो फिर साफ सफाई हो रही तो बिल्कुल, देखो आप पुष्कर को नए रूप में देखो,